हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे डियर, हमने थ्योरी ऑफ मशीन में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट पढ़ा है मैकेनिज्म, इसके बाद हमने डिस्कस किया गियर चैप्टर, और आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है गियर 10। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और डियर ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि एग्जाम जानते हैं एसएससी जेईई पीएसयू एंड स्टेट जेईई, सारे में एग्जाम में इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर काफी है आपका यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि आपने गियर चैप्टर पढ़ ही लिया है। तो गियर चैप्टर के बाद जस्ट ये चैप्टर पढ़ा जाता है, और गियर के बारे में आप सारी चीजें जान गए हैं, तो उसी का यहाँ पे यूज होता है, कुछ और नहीं है। यहाँ पे क्या होता है गियर चैप्टर में, गियर ट्रेन में, कि गियर की असेंबली होती है यहाँ पे, जैसे टू गियर लगे थ्री, तो उसे हम बोलते हैं गियर ट्रेन। अभी बताऊंगा क्यों इसे गियर ट्रेन बोलते हैं, बट पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, और इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों चैप्टर इसको पढ़ते हैं। देखो गियर ट्रेन जो चैप्टर है इसकी क्यों जरूरत पड़ी, आपने देखा गियर पढ़ा था, गियर में क्या था, वन गियर एंड सेकेंड, दो गियर हम यूज किया करते थे। किस लिए? देखो पावर ट्रांसमिटर करने कितना कितना मेथड है, एक हम करते हैं बेल्ट से, और सेकंड किससे कर सकते हैं, गियर से। गियर कब यूज करते हैं, जो हमें क्लोज डिस्टेंस में पावर का ट्रांसमिशन करना होता है, रोप मेथड से भी हम करते हैं, बट पावर ट्रांसमिशन जब हमें करना होता है गियर से, तो वहां पर क्या बेनिफिट मिलता है, वेरी क्लोज डिस्टेंस में ही हम उसको कवर कर लेते हैं। बट गियर ट्रेन क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई गियर ट्रेन की? देखो यहां पे जरूरत पड़ी वो ये पड़ी कि जब हमें लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस में पावर का ट्रांसमिशन करना हो, और हमें गियर ट्रेन से ही का गियर से ही करना हो, तो हम यूज करते हैं गियर ट्रेन। बात क्या है गियर ट्रेन की, जैसे कि अगर ये थर्ड गियर लगा दो, और कभी भी गियर ट्रेन में टू नहीं होंगे, मोर देन टू होंगे, अगर टू ही है तो गियर ट्रेन नहीं कहलाएगी, मोर देन टू गियर होंगे तो हम उसे बोलेंगे गियर ट्रेन। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, फर्स्ट गियर सेकंड एंड थर्ड, ओके डियर। चलिए तो हमने देखा गियर ट्रेन की जरूरत क्यों है, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस, एंड सेकंड फॉर वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटी रेशियो, मींस अगर वेलोसिटी रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, एक बहुत ही स्मॉल हो और एक बहुत ही ज्यादा हो, तब हम यूज करते हैं गियर ट्रेन का। तो इन सारे पॉइंट्स को हमको यूज करना होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं डियर। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं, एक नए उमंग और नए जोश के साथ चलते हैं नए सवर पे, और करते हैं चैप्टर को पूरा डिस्कस, ओके डियर। तो फर्स्ट हमें देखना है सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। डियर ये क्या है, गियर का ट्रेन का क्लासिफिकेशन है, एंड सेकेंड कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, एंड थर्ड रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एंड लास्ट वन इज एपीसाइक्लिक, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। और इसी का एक और पार्ट है एपीसाइक्लिक का ही, प्लेनेटरी गियर ट्रेन, क्या डियर, प्लेनेटरी गियर ट्रेन, प्लेनेटरी, प्लेनेटरी गियर ट्रेन, प्लेनेटरी गियर ट्रेन, प्लेनेटरी गियर ट्रेन। तो आपने देखा ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये हमारी गियर ट्रेन की क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट हमें पढ़ना है सिंपल गियर ट्रेन, सेकंड करना है हमें कंपाउंड गियर ट्रेन, एंड थर्ड रिवर्टेड गियर ट्रेन, एंड फोर्थ इज एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। और एपीसाइक्लिक का पार्ट ईयर क्या है, प्लेनेटरी गियर ट्रेन। तो हम एक एक गियर ट्रेन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंपल गियर ट्रेन, बट इसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा, उस पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे मैं बताता हूं, उसको आप नोट करिएगा। तो फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हमने कहा कि गियर ट्रेन की रिक्वायरमेंट क्या है, गियर ट्रेन की रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ गियर ट्रेन, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ गियर ट्रेन, रिक्वायरमेंट ऑफ गियर ट्रेन। तो इसमें फर्स्ट क्या, फॉर फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस बोलू, फॉर लार्ज
सेंट्रल डिस्टेंस मींस कहने का ये है, अगर सेंट्रल डिस्टेंस गियर के शाफ्ट के बीच की ज्यादा हो, मींस अगर वन शाफ्ट हियर एंड नेक्स्ट शाफ्ट हियर, अगर शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो, अगर टू गियर से वो क्या हो कि उसका जो डिस्टेंस है वो कवर ना हो रही हो, तो हम करेंगे क्या, तो हम गियर ज्यादा लगा देंगे, टू नहीं लगाएंगे, थ्री फोर जितना कवर होगा उतना कर देंगे, तो वह एक ट्रेन फॉर्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको, ट्रेन फॉर्म हो जाएगी, इसलिए उसे हम बोलते हैं ट्रेन। ओके चलिए, तो फॉर लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस एंड सेकेंड, फॉर लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस, फॉर लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस एंड सेकेंड फॉर वेरी, फॉर वेरी लो एंड वेरी हाई, एंड वेरी हाई वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, ये क्या चीज होगी। जैसे वन गियर बहुत ही स्मॉल हो, सर्किल ले लेते हैं, सर्किल से बनाकर दिखाते हैं आपको, अगर वन गियर बहुत ही, या फिर और स्मॉल कर दो इसको, और भी स्मॉल कर दो इतना, एंड सेकेंड हम लेते हैं बिग, ओके फर्स्ट बहुत ही स्मॉल है गियर, एंड सेकेंड बहुत ही क्या है मेरा, बिग है, फर्स्ट क्या है वो बहुत ही बिग है मेरा, दिस इज फर्स्ट गियर क्या है बड़ा स्मॉल है, एंड सेकेंड गियर डियर क्या है काफी बिग है, तो यहां पे जो वेलोसिटी रेशियो होगा मीन्स ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, जो इसकी वेलोसिटी होगी और इसकी, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है डियर, तो इनकी जो वेलोसिटी रेशियो होगी वो क्या होगी, काफी डिफरेंस होगा उनकी रेशियो में, काफी डिफरेंस होगा, एक बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही कम, तो क्या है कि वहां पे रिडक्शन ज्यादा होंगे, यही बात होनी थी। इस कब इसका यूज होता है गियर ट्रेन का, जब लार्ज सेंट्रल डिस्टेंस हो या फिर क्या हो वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी रेशियो का रिक्वायरमेंट हो, तब हम यूज करते हैं गियर ट्रेन का। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें एक गियर ट्रेन में होनी चाहिए, क्या क्या चीजें एक गियर ट्रेन में होनी चाहिए, हम इसकी बात करने चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिस्कस करना है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, पूरा इरेज कर लें, इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए आप लिखिएगा रिक्वायरमेंट, या फिर आप लिखिए ओनली गियर ट्रेन, लिखिए टॉपिक गियर ट्रेन, गियर ट्रेन, गियर ट्रेन, गियर ट्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेन ड्राइवर, एक गियर ट्रेन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मेन क्या है, ड्राइवर, मेन ड्राइवर, एंड सेकेंड मेन ड्राइवेन, मेन ड्राइवेन, एंड थर्ड क्या है, आइडलर बोल दो या फिर इंटरमीडिएट गियर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गियर, इंटरमीडिएट गियर, एंड फोर आर्म, भाई अगर ये बिसाइकिल गियर होगा तो वहां पे आर्म भी यूज हुआ करती है। तो एक गियर ट्रेन में इन इन सारी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है गियर, फोर पॉइंट, मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर, एंड थर्ड इंटरमीडिएट गियर, एंड लास्ट वन इज आर्म। तो ये फोर चीजें हैं जो एक गियर ट्रेन के लिए जरूरी हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि क्या होता है स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो एंड नेक्स्ट ट्रेन वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्पीड रेशियो, किसका, स्पीड रेशियो का डियर, स्पीड रेशियो का हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज स्पीड रेशियो, तो हमें देखना है डियर स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो कि किसी गियर ट्रेन की स्पीड रेशियो क्या होती है, या फिर आप वेलोसिटी रेशियो भी बोल सकते हो, स्पीड रेशियो या फिर वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, आपने इसके कई बार देखा होगा, जब भी गियर ट्रेन पढ़ना होगा इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, या फिर वन को हम कर सकते हैं मेन ड्राइवर, लिख लो मेन ड्राइवर ही लिख लो, मेन ड्राइवर,
ओमेगा मेन ड्राइवर अपॉन ओमेगा मेन ड्राइवेन, मेन ड्राइवेन, मेन ड्राइवेन, ओमेगा मेन ड्राइवर अपॉन ओमेगा मेन ड्राइवेन, यही क्या होता है डियर हमारा, ये होता है स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो। चाहो तो आप इसको एस आर से दिखा सकते हो, एस आर या फिर वी आर कर सकते हो, वी आर। तो आपने देखा स्पीड रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। इसके बाद हम बात करने चल रहे हैं कि क्या होता है ट्रेन वैल्यू, ट्रेन वैल्यू क्या होता है, लिख लो आप ट्रेन वैल्यू, ट्रेन वैल्यू, और साथ साथ आप पॉइंट को नोट करते चलना ट्रेन वैल्यू क्या होती है। देखो जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या, जस्ट इसका रेसिप्रोकल वो क्या होता है, ट्रेन वैल्यू। मीन्स स्पीड रेशियो को आप अपोजिट कर दो तो आपको ट्रेन वैल्यू मिल जाएगा, वन अपॉन स्पीड रेशियो आर वेलोसिटी रेशियो। तो यहां से फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मेन ड्राइवेन, ओमेगा मेन ड्राइवेन अपॉन ओमेगा मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट क्या है, आपको स्पीड रेशियो, ज्यादातर आपको यही यूजफुल है, ये बहुत कम आपको मिलेगा, कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तब आपको बताने की जरूरत है। अदरवाइज जितने भी गियर ट्रेन हम पढ़ाएंगे वहां पे हम बार बार स्पीड रेशियो ही निकालेंगे। अच्छा, आपको बताया गया है कि जो ये रेशियो है एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो, इसके इक्वल टू में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ टीथ के फॉर्म में फार्मूला होता है कि नहीं, फाइंड आउट होता है ना, ओमेगा मेन ड्राइवेन है, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर गियर। अभी आगे बताता हूं, जब क्लासिफिकेशन करूंगा उसे फर्स्ट का तब मैं दिखाऊंगा। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं सिंपल गियर ट्रेन पे, किस पे डियर, सिंपल गियर ट्रेन। तो टॉपिक लिखते हैं सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। जैसा इसका नाम है सिंपल, वैसे सिंपल है भी। ओके, तो सिंपल मीन्स इसमें ज्यादा गियर नहीं लगे होंगे, ईच शाफ्ट पे जितनी शाफ्ट पे उस पर केवल एक एक ही गियर लगे होंगे। जैसे अगर सपोज कर लो ये एक शाफ्ट है, वैसे शाफ्ट तो ये है नहीं, अगर ये एक शाफ्ट इसको सपोज करते हैं और एक नेक्स्ट शाफ्ट यहाँ पे हो, नेक्स्ट यहाँ पे हो, तो इस पर भी वन गियर लगे होंगे, इस पर भी वन लगे होंगे, और नेक्स्ट वाले भी शाफ्ट पे वन गियर ही लगे होंगे। मैं दिखा रहा हूं, आप देखना, दिस इज वन गियर, ओके, एंड दिस इज नेक्स्ट गियर, ओके, एंड दिस इज नेक्स्ट गियर। सभी का सेंटर यहां पे शाफ्ट लगी, यहां पे शाफ्ट लगी और यहां पे शाफ्ट लगी, थ्री गियर है यहां पे। इसे हम बोलेंगे मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर, मेन। अभी मैं इसको आपको 3D फिगर पे दिखाता हूं, बट पहले आप यहां पे देख लो, मेन ड्राइवर एंड दिस इज मेन ड्राइवेन, मेन ड्राइवेन। ये कौन सा गियर है, मेन ड्राइवेन है, मींस हमें इसको चलाना था, बट सप्लाई कहां से देनी थी, पावर ट्रांसमिशन यहां से, ड्राइवर ये था, यहां पे इंजन की सप्लाई आई थी, तो ड्राइवर ये खुद चला, फिर इसको इसने चलाया, इसके थ्रू ये चला, क्योंकि डायरेक्ट हमें नहीं चलाना था, क्योंकि यहां पे हमको सेंट्रल डिस्टेंस को कवर करना था। तो ये कौन सा हो गया हमारा, इंटरमीडिएट गियर, या फिर आइडलर बोल दो, आइडलर, आइडलर, आइडलर गियर, आइडलर गियर। तो ये बातें आपको समझ में आई कि यहां पे क्या होगा, सिंपल गियर ट्रेन में ईच शाफ्ट इज हैविंग ओनली वन गियर, लिखना चाहो तो लिख लो, ईच शाफ्ट, ईच शाफ्ट इज हैविंग, ईच शाफ्ट इज हैविंग ओनली वन गियर, ओनली वन गियर। ये मैंडेटरी पॉइंट है डियर, जितनी भी शाफ्ट हैं उस पर ओनली वन गियर ही होंगे। तो ये पॉइंट आपने देख लिया। तो आइए मैं आपको इसका एक पहले 3D फिगर दिखाता हूं, आपको इसका 3D फिगर देखना है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे। ओके, तो चलिए आइए हम चलते हैं वहां पे, नेक्स्ट में आपको यहां पे हम दिखाते हैं। ये एक ले लिया, एक और लेता हूं, तो इसके बाद चीजें आपको सारी क्लियर हो ही जाएंगी। इधर चलते हैं नेक्स्ट डियर, हम यहां पे एक फिगर और लेते हैं।
तो ये दोनों फिगर से आपको चीजें पूरी समझ में आने वाली हैं बहुत ही जल्दी। ये आपने 3D फिगर है डियर, ये क्या है हमारा ड्राइवर है एंड दिस इज ड्राइविंग, बट ये क्या है गियर ट्रेन हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ओनली टू ही लगे। हम चाहे तो बोल सकते हैं इसको सिंपल गियर ट्रेन, बट ये यूज किया नहीं जाता मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे अगर वन और लगा हो तब कहना सिंपल गियर ट्रेन ठीक है, अदरवाइज ये ठीक है नहीं डियर। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। आप यहां पे देखो सिलेक्ट नहीं करते हैं, मार्कर नहीं यूज करते हैं, पेन लेते हैं। अब यहां पे देखो ये क्या है, ये फर्स्ट हमारा ड्राइवर है, या फिर इसको बोल दो लास्ट, किसी को बोल दो, ये है हमारा मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर एंड दिस इज मेन ड्राइविंग, मेन ड्राइविंग ओके। और ये दो और जो लगे हैं शाफ्ट है उस पर सब पे एक एक गियर ही लगा है ना ओके। तो ये क्या है हमारी इंटरमीडिएट गियर है डियर, क्या है इंटरमीडिएट गियर है। तो आइए अच्छा एक बात और आपको दिखाऊं, अगर ये रोटेशन इधर हो रहा हो, इधर हो रहा होगा तो इसका रोटेशन, एक काम करते हैं इसको हम ड्राइवर कर लेते हैं, इसके बाद उसको हम ड्राइवन करते हैं, इसको हम कर लेते हैं ड्राइवर, उसको ड्राइवन करते हैं ओके। दिस इज ड्राइवर, दिस इज ड्राइविंग, देखिए ये क्या है मेन ड्राइवर। अच्छा अगर इसका रोटेशन इस तरफ होगा तो यहां पे टच में इसका रोटेशन इस तरफ होगा और ये इधर जाएगी, तो ये फिर 3D में कम समझ में आएगी चीज। अब मैं आता हूं अपने 2D फिगर में, यहां पे देखो आप, अगर ये इधर रोटेशन हो रहा हो तो इसका रोटेशन किधर होगा, इधर होगा ओके वेरी गुड। इसमें किधर रोटेशन होगा बता सकते हो क्या? चलो ये किधर जाएगा, इधर, तो ये किधर जाएगा, इधर। मींस अगर ये क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अरे पता है ना घड़ी किस सुई की दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज वेरी गुड। ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, देख लो भाई ये क्लॉकवाइज। और जब दो मैटिंग गियर टच में होंगे तो जो सेम कॉन्टेक्ट में होगा वो जस्ट क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ना, वेरी गुड। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है एंड दिस इज ये क्या है एंटी, तो ये क्या है क्लॉक, हमेशा अपोजिट होता जाएगा। अब यहां पे देखो मेन ड्राइवर क्या था, ये हमारा क्लॉकवाइज था, ये क्या हो गया ड्राइविंग, क्या हो गया वो भी हमारा क्लॉकवाइज। तो यहां से एक बात समझ में आई, आओ आगे और कुछ चीजें हम देखते हैं। यहां पे हमने 3 लिया था ना, इस बार हम 4 लेते हैं तब फिर पॉइंट्स आपको समझ में आएंगी। वन एंड सेकेंड एंड थर्ड ओके एंड फोर्थ, तो टोटल 4 गियर हमने ले लिया ओके डियर वेरी गुड, 4 गियर हमने लिया। इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो इसकी इधर होगी, तो इसकी किधर होगी, इसकी इधर, तो इसकी इधर ओके okay? तो ये इधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर है क्लॉकवाइज, इसकी किधर है एंटी क्लॉकवाइज है। जब 3 था तो डायरेक्शन सेम थी मेन ड्राइवर और मेन ड्राइविंग की, बट जैसे ही 4 हो गए मींस इवन नंबर में आ गया वैसे ही क्या हुआ डायरेक्शन क्या हुई अपोजिट हो गई। देख लो यहां पे क्लॉकवाइज थी और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से नोट करो और एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट आपको लिखना है, नोट नोट में पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है इफ इफ, और इसको हम बोलते क्या है नंबर, ये आइडलर है जो बीच में लगे होते हैं उसको हम चाहे तो बोलो इंटरमीडिएट गियर, क्योंकि ये किसी यूजफुल नहीं है, केवल पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और कोई काम नहीं है इनका, ये तो हम सेंट्रल डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगाए हैं ओके। तो ये क्या है आइडलर है, एज अ आइडलर वर्क कर रहे हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडलर गियर। तो आइडलर गियर ये सारी चीजें हमारी हैं डियर। तो अगर नंबर ऑफ आइडलर जो हैं इवन होंगे तो क्या हो गया डायरेक्शन अपोजिट, और नंबर ऑफ आइडलर अगर ऑड हैं तो क्या होगा डायरेक्शन सेम होगी। देख लो ये क्या है क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? इफ नंबर ऑफ आइडलर, इफ नंबर ऑफ आइडलर, इफ नंबर ऑफ आइडलर गियर, इफ नंबर ऑफ आइडलर गियर क्या हो डियर,
इफ नंबर ऑफ आइडलर गियर इज ऑड, ऑड है तो क्या होगा, तो वहां पे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी डियर, वहां पे जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। देखा है ना आपने, देखो हियर एंड हियर सेम, सेम डायरेक्शन लिख लो, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और अगर नंबर ऑफ आइडलर गियर, इफ नंबर ऑफ आइडलर गियर, आइडलर गियर इज इवन, क्या हो इवन हो मीन्स टू हो गया, यहां पे टू था ना इवन, तो क्या होगा, तो जो होंगी वो डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। देख लो आपके सामने एग्जांपल बना हुआ है, दिस एंड दिस अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन अपोजिट डायरेक्शन। यहां से एग्जाम क्वेश्चन ये पॉइंट पूछ ही लिया जाता है, ये दोनों पॉइंट से एग्जाम में ऐसे बोल दिया अगर आइडलर गियर फाइव है या फिर सिक्स है तो लास्ट वाले गियर की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर मेन ड्राइविंग गियर की डायरेक्शन क्या होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, गियर ट्रेन चैप्टर काफी इजी है डियर, अगर आप गियर आपको आता है तो गियर ट्रेन दिमाग लगाना नहीं होता, केवल सुनते जाओगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी और कभी भूलती नहीं है। ये चैप्टर ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि काफी इजी है, फ्री में नंबर देके जाता है आपको, तो आपने देखा ना कि क्या होता है इसमें। आइए अब इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं और स्पीड रेशियो निकालते हैं। हम यहाँ पे निकालेंगे डियर स्पीड रेशियो, तो हम फोर गियर वाले में अप्लाई करते हैं, फोर ही गियर का लेंगे केस, वहां पे ज्यादा बेटर होगा, तो फोर गियर का लेते हैं डियर। ओके ये क्या है, पेन कलर हम चेंज कर ले, देखो ये टी वन है इसमें नंबर, ये टी वन और वेलोसिटी ओमेगा वन, यहां पे टी टू वेलोसिटी ओमेगा टू, टी थ्री वेलोसिटी ओमेगा थ्री, टी फोर ओमेगा फोर। ओके तो ये फोर पॉइंट थे आपके सबके, ये नंबर ऑफ टीथ हैं, टी मीन्स नंबर ऑफ टीथ और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है डियर। ओके तो ये मेन ड्राइवर और ये मेन ड्राइविंग, ये आइडलर है या फिर इंटरमीडिएट बोलो, इन सब में हम लगाते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड में लगाते हैं, फिर सेकंड और थर्ड में लगाएंगे और थर्ड एंड फोर्थ में लगाएंगे। ये गियर नंबर वन है और ये गियर नंबर टू है, ये गियर नंबर थ्री है और ये गियर नंबर फोर है, टोटल फोर गियर हैं। तो फर्स्ट में जब लगाएंगे अप्लाई करेंगे हम, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड रेशियो के निकालेंगे तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू क्या हो जाएगा, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू निकालो और बताओ, जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना नंबर ऑफ टीथ का, टी टू अपॉन टी वन हो जाएगा, वेरी गुड। ऐसे ही सेकंड, ये आप कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड करोगे तो आपका आएगा ओमेगा टू अपॉन ओमेगा थ्री इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू। अरे देख लो ये कहां से होता है, पता है ना आपको ये सारी चीजें कि नहीं पता है, अरे ओमेगा टू पाई एन होता है, एन का वन अपॉन टी होता है, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया ना भाई। ओमेगा की जगह पर अगर हम एन लिखे, आरपीएम की बात कर रहा हूं, अगर आरपीएम कर जाएंगे, आरपीएम का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ होता है ना। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। ऐसे ही हम बात करते हैं अब ओमेगा थ्री और ओमेगा फोर की, ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर, फोर गियर लिया था ना, फोर है ना। ओके तो ओमेगा फोर वहां पे क्या होगा, ई फोर अपॉन टी थ्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके अब जितने हैं इक्वेशन सारे को कर दो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा वन ओमेगा टू सबको हम राइट करते हैं यहाँ पे, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू मल्टीप्लाई किया, फिर आया ओमेगा टू ओमेगा थ्री, फिर आएगा ओमेगा थ्री अपॉन ओमेगा फोर आएगा ना, वेरी गुड। यहाँ से टी टू अपॉन T3
टी वन इंटू टी थ्री अपॉन टी थ्री अपॉन टी टू इंटू टी फोर अपॉन टी थ्री। ओके डियर, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा हमारा टी थ्री। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट होंगे, देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। देखो ओमेगा टू ओमेगा टू दोनों ने एक दूसरे से की लड़ाई और दोनों ने एक दूसरे को कर दिया शहीद। दिस दिस कैंसिल आउट हो गया। ओके वेरी गुड। टी टू कैंसिल, टी थ्री कैंसिल। आओ ऊपर और देखते हैं क्या होता है। ओमेगा वन अपॉन ओमेगा फोर टी फोर अपॉन टी वन। ये क्या है? यही तुम्हारा है स्पीड रेशियो। ओमेगा वन क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन, मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर है डियर। क्या है डियर? मेन ड्राइवर अपॉन ओमेगा मेन ड्राइवन, मेन ड्राइवन। ओके डियर, वेरी गुड। एंड दिस इज टी फोर अपॉन टी वन। टी फोर क्या था? नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवन, ऑफ मेन ड्राइवन लिख लो, ऑफ मेन ड्राइवन अपॉन नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑफ मेन ड्राइवर। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए यहां से। तो हमने देख लिया ये क्या है डियर, इसको लिख लो आप स्पीड रेशियो। दिस इज स्पीड रेशियो। सीधे आपको ये याद रखना है, जितना भी कुछ किया इससे मतलब नहीं है। केवल लास्ट में जो बीच में पॉइंट आया हुआ था आइडलर वाले पॉइंट, नंबर ऑफ आइडलर अगर ऑड इवन हो तो डायरेक्शन क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए सिंपल ट्रेन क्या होता है, बस सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, इतना पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मैंने कुछ लिखा। यही दो पॉइंट केवल आपको इंपॉर्टेंट मिले हैं डियर, और कोई पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हम बात करेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन की। किसकी डियर? कंपाउंड गियर ट्रेन की। बट यहाँ पे कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसके फॉर्म में। अगर क्या हो हमारा ये जो है, हम इसको ले किस फॉर्म में, हम आरपीएम के फॉर्म में लेते हैं। ये तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में है ना। ओके, अगर आरपीएम में बात की जाए, इन आरपीएम फॉर्म, इन आरपीएम फॉर्म, इन आरपीएम, आरपीएम में लेंगे तो क्या होगा स्पीड रेशियो, वहां पे हो जाएगा हमारा एन। मान लो अगर वन है मेन ड्राइवर, एन टू, तो फिर क्या होगा, ये नंबर ऑफ टी, टी टू अपॉन टी वन। बात आपको समझ में आ गई ना? जस्ट रेसिप्रोकल करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी ही चीजें आपको करनी है। तो चलिए आइए अब आगे हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। किसके लिए? कंपाउंड गियर ट्रेन की। टॉपिक लिखते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन कौन सा था, सिंपल गियर ट्रेन। अब नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन। यहाँ पे ओनली मैं फिगर बना के नहीं दिखाऊंगा आपके, यहाँ पे 3D व्यूज दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा एनालिसिस करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इसलिए। तो आप इसका पहले फिगर देख लीजिए आज की क्लास में। ये यहाँ से कट करता हूँ, नेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ, चलते हैं यहाँ पे और एक और फिगर लेता हूँ, इसके बाद दोनों से क्लियर करता हूँ चीज़ें। ओके डियर, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे हम चलते हैं फिर आगे। ये क्या है डियर? ये दिस इज कंपाउंड गियर ट्रेन। तो ये हमारा है कंपाउंड गियर ट्रेन, दिस इज कंपाउंड गियर ट्रेन। यहाँ पे देखो क्या होता है कंपाउंड गियर ट्रेन में, जो होगा शाफ्ट जो होगी यहाँ पे, स्टार्टिंग शाफ्ट और लास्ट शाफ्ट उसको छोड़ के बीच की जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होगी वहाँ पे मोर देन वन गियर होना मैंडेटरी है। बात समझ में आई कि इंटरमीडिएट शाफ्ट होगी उस पर अगर नंबर ऑफ गियर वन से ज़्यादा है तो उसे हम बोल देंगे कंपाउंड गियर ट्रेन।
लास्ट में जो ड्राइवर हो और ड्राइविन वहां पे जनरली होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, केवल इंटरमीडिएट देख लो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज लास्ट। तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट पे लगा हुआ है कुछ, ये देखो ये कौन सा सेकंड है, फर्स्ट पे ओनली वन गियर है, ये क्या है मेन ड्राइवर, दिस इज मेन ड्राइविन एंड सेकंड क्या है, यही तो है सेकंड हमारा। सेकंड पे टू देखो, टू गियर लगे हैं, सेकंड शाफ्ट पे है, इस पे वन तो है एंड सेकंड और है। तो यहाँ पे ड्राइवर और ड्राइविन चेंज होते रहते हैं, जैसे ये क्या है, दिस इज मेन ड्राइवर, दिस इज मेन ड्राइवर एंड दिस इज मेन ड्राइविन, मेन ड्राइविन, दिस इज मेन ड्राइविन, ये हमारा मेन ड्राइवर है और ये हमारा मेन ड्राइविन है। ये बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। देखो जो सेकंड वाली शाफ्ट है हमारी, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ गियर क्या है, टू है, तो ये हमारी क्या हुई, अच्छा ये अगर ड्राइवर है इससे कनेक्टेड, इससे मैटिंग में कौन सा, ये वाला, तो ये ड्राइवर होगा, ड्राइविन होगा, ये ड्राइवर इसको चलाया मीन्स ये ड्राइविन, ये क्या है हमारा ड्राइविन, और ये क्या होगा दिस, ये येलो वाला, ये ड्राइवर होगा ड्राइविन, ये किसी के द्वारा चलाया गया गियर के द्वारा या फिर खुद चला, ये शाफ्ट पे था ये खुद चला, ये क्या है ड्राइवर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैसे है तो इजी बट आपको पता होना चाहिए। यहां पर भी देखना चाहो देख लो, दिस इज ये वाला, कलर चेंज कर लूं तो आपको दिखेगा ये कौन सा है, मेन ड्राइवर, मेन ड्राइवर, दिस इज मेन ड्राइवर एंड दिस इज मेन ड्राइविन, मेन ड्राइविन, ओके डियर वेरी गुड। एंड दिस इज ड्राइवर और ड्राइविन कनेक्टेड मीन्स इससे मीटिंग में है, ये ड्राइवर तो ये ड्राइविन हो जाएगा, ड्राइविन, और ये येलो, येलो ये क्या होगा हमारा, ये ड्राइवर होगा, दिस इज ड्राइवर। मीन्स अगर गियर की नंबरिंग की जाए, गियर की नंबरिंग कर दी जाए, ये गियर नंबर वन, ये गियर नंबर टू एंड ये गियर नंबर थ्री, गियर नंबर फोर, फोर गियर यहाँ पे हैं, वेरी गुड। तो गियर नंबर अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइवर और ड्राइविन की, ड्राइवर ड्राइवर गियर और ड्राइविन गियर की, ड्राइविन गियर की, ड्राइविन, देखो ड्राइवर गियर कौन कौन से हैं, वन और बताओ, ये थ्री नंबर, वन एंड थ्री, ड्राइविन की टू एंड फोर, तो टू और फोर वो कैसे हैं हमारे, वो हैं हमारे ड्राइविन गियर, और वन एंड थ्री क्या है ड्राइवर गियर। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में ये सारे चीजें आपकी थी, और यहाँ पे क्या है कि जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होगी वहां पे मोर देन वन गियर होना ही होना चाहिए, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हमको इसका एनालिसिस करना है, बट वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस गियर ट्रेन के बाद हम नेक्स्ट गियर ट्रेन जो देखने वाले हैं वो कौन सा गियर ट्रेन, हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन, इसके बाद हम देखेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, फिर क्या लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, वो होगा हमारा प्लेनेटरी, वो एपिसाइक्लिक का ही पार्ट है। तो डियर आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और तब तक के लिए आपको करना क्या है, कांस्टेंट स्टडी करते रहना और हैप्पी रहना है, क्योंकि हमें एक लॉन्ग जर्नी पे चलना है, और साथ साथ आप नोट्स बनाया करिए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, नोट्स जब आप नहीं बनाते हैं तो चीज़ें होती क्या, आप यहाँ पे वॉचिंग तो करते रहते हैं बट आफ्टर क्लास आप चीज़ों को नोट किया नहीं है आपने, जब नोट ही नहीं किया है तो माइंड में बहुत देर तक चीज़ें रहती नहीं है, वो थोड़े टाइम के बाद तो स्किप होनी ही होनी है। तो इसलिए अगर आप नोट किए हैं, अगर आपने नोट किया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप थोड़े टाइम में उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे, और जैसे ही आप क्लास फिनिश हो उस नाइट में, थोड़ी देर बाद, दो चार घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे, उसको जरूर एक बार रिवाइज करो, आज आपने किया पूरा फिनिश अच्छे से एक बार किया करो, इसके बाद नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करो, और फिर वन वीक के बाद उस टॉपिक को थोड़ा देखो, उस पर क्वेश्चन लगाओ, ये नहीं कि बस वही सेम चीज रिवाइज ही करते रहो, रिवाइज ही नहीं करना है आपको, क्वेश्चन भी उस पर लगाते रहना है, अगर आप क्वेश्चन लगाते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी लगाओ आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती, जानते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता अच्छे से, आप रट्टा मारते हो फिर,
टट्टा नहीं मानना एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको ये होना चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हो कि तुरंत चीजें आपकी हो गई और आपने कर लिया, थोड़ा सा रट के गए चीजें हो गई, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे तो है कि क्लियर एंड कट एवरीथिंग, ईच पॉइंट, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, और वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके कोई एग्जाम निकलता है। तो बात आपको समझ में आ रही है ना? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस, एक नई उमंग और नए जोश के साथ मिलते हैं नए सेशन में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।